सरकार का हमने नोटबंदी भी ट्रायल कर लिया, सरकार का कोरोना काल भी ट्रायल कर लिया, सरकार के जितने वादे थे स्मार्ट सिटी देने के वादे थे वो भी हमने ट्रायल कर लिए। ध्यान रखें कि सत्ता से यही टकराते हैं, बाकी तो हम यहाँ नेतृत्व तो करते हैं। धारा 370 उठा दी, उसी धारा 370 हटाने में हमें इस किसान का बता दो कि क्या लाभ होता है। इन्होंने कहा कि कहीं भी खरीद सकता है तो सीधे खरीदेगा, मंडी में नहीं जाएगा, मंडी बैठने के लिए मंडी टैक्स देना पड़ रहा है, डायरेक्ट किसान से खरीदने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कलाग आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब आएगा, इस देश में इंकलाब आएगा, अब समाजवाद आएगा। तो पहले तो बात ये MSP घोषित नहीं है, कोई रेट तय नहीं होगा। दूसरी चीज पे अगर वे आ जाए तो जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में जाएगा तो वो वहाँ पर व्यापारी अपने रेट तय करके बताएगा कि ये तो फसल इतनी की है, उस पर MSP नहीं लग रहा। गाजीपुर पहुंचने के बाद राकेश टिकैत जी से मिलने के लिए आए थे, उनका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि रेगुलर कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाई भी इससे पहले, वो तो मिले नहीं है लेकिन उनकी शक्ल में उनके भाई जरूर मिल गए। आपकी शक्ल हूबहू मिलती है उनकी तरह। भाई नहीं है वो, किसान है हम तो, किसान भाई तो वो हुए। हमारे आदर्श है, वो हमारे बड़े भाई है, वो हमारे निर्देश करता है, वो हमें जो हमारे बड़े नेता है निर्देश देते हैं वैसे ही हम लोग चलते हैं। और मैं सरकार कहती है कि कानून जो है सही है, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं और संशोधन के लिए हम सारे तैयार हैं, फिर क्या वजह है कि बार बार वही सब होती हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। देखो सरकार मुझे पता नहीं है कि कौन से खेत का अन्न खाती है, कौन से कुएं का नल का पानी पीती है, क्योंकि सरकार की समझ ठीक नहीं है। इसलिए समझ ठीक नहीं है कि दर्द आपके पेट में है, किडनी आपकी प्रॉब्लम कर रही है और आपको लीवर की हम दवा दें या आपको आँख की दवा दें या आपके टांग के इन्फेक्शन की दवा दें तो मुझे लगता है कि मरीज को ही साइड इफेक्ट होगा इसका। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये अन्नदाता ये बात मानता है, ये कानून मेरे लिए सही नहीं है। कानून इसलिए सही नहीं है कि एक हम चैप्टर आपको बता देता हूँ कि इनने अनलिमिटेड भंडारण की जो बात की, जो उन्होंने अपने जो कानून बनाया है उसमें अनलिमिटेड भंडारण कौन करेगा? किसान तो कर नहीं सकता। किसान अगर 20 क्विंटल गेहूं पैदा करता है तो 10 क्विंटल उसे तुरंत बेचता है, क्योंकि उसे खाद लानी होती है, उसे ट्यूबवेल का बिल देना होता है, उसे बच्चे की फीस देनी होती है, उसे शादी ब्याह करना होता है, तो उसे कर्जों से इतना घिरा हुआ होता है कि वो पहले क्रेडिट कार्ड पर कर्जा ले रखा है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने माफ करने के लिए कहा था तो 1 रुपये माफ किया, बाकी सारा बाकी है वो देना पड़ता है उसे। सरकार कहती है एक बार ट्रायल तो कीजिए, देखिए तो सही, फेवर में है आपके। सरकार से का तो हमने बहुत कुछ ट्रायल कर लिया, सरकार का हमने नोटबंदी भी ट्रायल कर लिया, सरकार का कोरोना काल भी ट्रायल कर लिया, सरकार के जितने वादे थे स्मार्ट सिटी देने के वादे थे वो भी हमने ट्रायल कर लिए। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी देने की बात की थी वो भी हमने ट्रायल कर ली। मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा था? मोदी जी ने यह कहा था तुम हवाई चप्पल पर चलने वाले लोग हो, तुम्हें हवाई जहाज दे देंगे, वो भी हमने ट्रायल कर लिया। हमने क्या छोड़ा? सब कुछ तो हमसे ये कहा गया था, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे चौकीदार बना दो, मुझे मैं फकीर हूँ। सरकार कह रही है कि भैया धरना खत्म कर दो, 2 साल के बाद इसको कर ले, 2 साल तक समझ तो लो क्या है। तो 2 साल तक हम यहीं बैठे हैं, उनको क्यों दर्द हो रहा है? अगर उनको क्यों दर्द हो रहा, उनकी रोटी नहीं खा रहे, उनका पानी नहीं पी रहे, अन्नदाता अपनी खा रहा है, अपना कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, उनका क्या नुकसान कर रहे हैं? हम ये कहते हैं कि पहले वो कानून समझ लें, उसके बाद आके वो होल्ड पर बात करें। वो तो ये कहते हैं कि कानून में कुछ काला ही नहीं है, जबकि पूरी की पूरी कानून काला है। मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा चश्मा गलत लगा है। वो कहते हैं बताओ तो सही, कानून काला है क्या? बोल सब रहे हैं, बता कोई नहीं रहा। बोला जब यहाँ हमारे जो नेताओं का प्रतिनिधि मंडल से मीटिंग कर रहे थे तो उनकी जबान क्यों नहीं खुल रही थी? वो मीटिंग का वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर देते हैं? जो हमारे किसान नेता उस पर चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी कानून में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, उसकी वीडियो रिलीज कर दे। अगर वो पार्लियामेंट में, हमारा नेता कोई पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकता ना, और पार्लियामेंट में भी 162 के करीब किसान है जिन्होंने अपना जो है किसान ही अपना रोजगार बताया है, किसान ही अपना आय स्रोत बताया है। 162 सांसद जो हैं वो कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के हैं जो मोदी की दहशत से बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें आगे टिकट चाहिए। आधे विधायक हमारे साथ खड़े हैं लेकिन उनको मजबूरी है कि 2022 में टिकट चाहिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि कानून काला है, कानून में सब कुछ काला है, इनका चश्मा अगर सफेद है इसलिए इनको काला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिकट की असुरक्षा इसलिए इधर नहीं है क्या?
टिकट की असुरक्षा है इसलिए इधर नहीं है। हाँ, टिकट की असुरक्षा है और समय आ रहा है। आंदोलन अक्टूबर तक जाने दो ना, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ये अक्टूबर तक आंदोलन जाने दो, इसीलिए अक्टूबर की बात हो रही है। और ये मोदी जी ने जो हमारे साथ किया था, इतने जो अब सत्ता में आए थे, जो भी वादे किए थे, उन वादों पर कहीं खरे उतरे? कहीं कोई एक चीज बता दो जो मोदी जी ने की हो। भाई सरकार तो सारे वादे गिनवाती है, उसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं कि ये सारे काम पूरे किए, ये वादे पूरे किए, उसके बावजूद भी पब्लिक कह रही है। कुछ एक बताओगे? कोई एक? सारे तो मोदी जी सारे मुख्यमंत्री बन गए जितने भी थे। हम ये कहते हैं कि बलात्कारियों को जो सरकारें साथ दे रही है, हम ये कहते हैं जो आतंकवादी हैं उनका साथ दे रही है। वो इसलिए कहता हूँ कि देवेंद्र सिंह जो आतंकवादी पकड़ा गया था, आज दिन तक NIA ने उसकी रिपोर्ट दाखिल नहीं की। हम ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आतंकवादियों को हम साथ दे रहे हैं तो हम सही हैं, तो वो उन्हें सही है, तो हम ऐसी सरकार को नहीं मानते जो आतंकवादियों को साथ दे रहे और हम सही है। वो ये कहते हैं धारा 370 उठा दी, उसी धारा 370 हटाने में हमें इस किसान का बता दो कि क्या लाभ होता है। वो धारा 370 किसके ऊपर एहसान करते? वो जम्मू कश्मीर के लोग हमारे नहीं है क्या? अगर तुमने हटा दी वहाँ से तो इस किसान को बता दो, जहाँ तुम इनको ये बताते हो कि तुम्हारी जमीन वहाँ खरीद सकते हो, अरे ये अपनी जमीन तो बचा नहीं पा रहे तुमसे, तुम बिल्कुल भूखे बैठे हो इनकी जमीन खाने के लिए और वहाँ जमीन खाने के बाद। मैं मैनपुरी से। क्या नाम आपका? किशन बाल। हाँ बताइए, आप कहाँ से था? मैं देहरादून से आया, वैसे तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। किसान है, जमीन में जो पैदा। क्या नाम आपका? जितेंद्र सहरावत। पूरे में दिल्ली सराउंडिंग के जो जितने भी राज्य हैं, यहाँ का व्यक्ति मेहनती भी है, न्यायप्रिय भी है, निष्पक्ष भी है, किसान बैठे पूरे। हाँ, और निष्पक्ष भी है, और ये भी ध्यान रखें कि सत्ता से यही टकराते हैं, बाकी तो हाँ नेतृत्व करते हैं, मतलब साथ चलते हैं, नेतृत्व यही करते हैं। पुराना से जब से राजे रजवाड़े आए हैं उनका विरोध इन्होंने किया है। जैसे आपने कहा कि वहाँ ऐसे 2013 का दंगा हुआ, अब ऐसे इकट्ठे हो गए, तो उस समय गलतियाँ थी, उसका विरोध करा, तो उसमें इन्होंने उस चीज़ का फायदा उठा लिया कि भाई ये जो दूसरे लोगों को तुष्टीकरण करके सत्ता चला रहे हैं और उसके अत्याचार, और कोई बोला नहीं, इसी क्षेत्र के लोग बोले, ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में अत्याचार नहीं हो रहा था, तो उसका जवाब दिया। आज वही लोग समझ गए हैं कि भाई हम गलत थे, वे आज किसान भाई जो इस तरह कहते हैं तुष्टीकरण, वे हमारे साथ वापस आ रहे हैं क्योंकि हम न्याय प्रिय हैं। आप इसका उदाहरण ऐसे देखिए कि हमारे यहाँ जब फसल हम बोते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब हमारा आपस में कोई नुकसान करता है, भाई भी कर दे, पड़ोसी कर दे, तो हम उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो हम उसको बदला लेने के भाव से, अगर वो हमारे जान के लें तो हम उसकी जान लेने को भी तैयार हैं, क्योंकि निष्पक्षता और न्यायप्रियता इस क्षेत्र में है। इस कारण ये यहाँ जो कहते हैं ना क्राइम बढ़ जाता है, क्राइम भी यही कारण है कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करते अपने भाई की भी। बिल से बात करोगे बारी सारे बातें? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? आपने अभी कहा था कि बिल के कानून क्या है, बहुत से पत्रकार यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इनमें काला क्या है। अब मैं एक मिनट के लिए आपको बता दूं इनमें काला क्या है। पहले जब किसान मंडियों में अपनी फसल लेके जाता था तो जो व्यापारी फसल खरीदने के लिए आता था मंडी टैक्स देना पड़ता था। अब वो अगर आएगा, इन्होंने कहा कि कहीं भी खरीद सकता है, तो सीधे खरीदेगा, मंडी में नहीं जाएगा, मंडी बैठने के लिए मंडी टैक्स देना पड़ रहा है, डायरेक्ट किसान से खरीदने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। अब यहाँ पर आते हैं, मंडी में बैठने के लिए MSP घोषित होता था जो सरकार द्वारा तय होता था, और बाहर घोषित करेगा वो अपने रेट तय करेगा, तो वो मंडी में पहले तो बात क्यों जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं, जब मंडी में व्यापारी नहीं बैठेगा, जब मंडी में व्यापारी बैठेगा नहीं तो किसान नहीं जाएगा, जब वहाँ कोई जाएगा तो 2-4 साल बाद, ये 2 साल का टाइम मांग रहे ना, 2-3 साल में तो मंडी खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी। अब दूसरे पे आ जाओ, अनलिमिटेड स्टॉक पहले इन्होंने क्या था, आपातकाल के लिए स्टॉक की लिमिटेशन थी कि आपातकाल आ जाएगा, क्योंकि जैसे अभी महामारी आ गई थी, पहले बाढ़ आ जाती है अलग अलग राज्यों में, तो उनके लिए आपातकाल के लिए लिमिटेशन स्टॉक थी, उन्होंने खोल दी। अब क्या होगा, अब अपने मनमाने रेटों से किसान पर हमारी फसल खरीदेंगे और उसे अवैध रूप से स्टॉक कर लेंगे, इतनी ही मात्रा में मार्केट में निकाल लेंगे जिससे उसकी डिमांड मार्केट में बनी रही। अभी आपने उदाहरण देखा होगा, 2 साल पहले प्याज का रेट 200 रुपए किलो आपने भी डिमांड और सप्लाई को इस तरीके से मैनेज किया। हाँ, ये कहने का मतलब है आपका? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, 2 साल पहले आपने भी 200 रुपए किलो प्याज खरीदा होगा, भारत में प्याज की कमी नहीं थी, कमी थी, अवैध रूप से लिमिट स्टॉक कर लिया था, उसका निकाला ही नहीं था हमने, आपने मोदी जी ने और तो निर्मला सीतारमण जी ने 200 रुपए किलो प्याज खरीदा, उन्होंने मना कर दी थी। अब तीसरे पे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यूँ नुकसान है, ये लोग हमारे पास आएंगे, हमारे पास आ गए, चलो ये कह रहे हैं कि हम जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, फसल का कर रहे हैं, फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो भी स्टाम्प पे करेंगे उस पर पहले तो बात ये MSP घोषित नहीं है, कोई रेट तय नहीं होगा। दूसरी चीज़ पे अगर वे आ जाएं तो जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में जाएगा तो वो वहाँ पर व्यापारी अपने रेट तय करके बताएगा कि ये तो फसल इतनी की है, उस पर MSP नहीं लग रहा, मैं तो इतनी लूँगा। तो अभी मोदी जी का बयान आया था कि ये बहुत अच्छी बिल है, वन नेशन वन मार्केट,
अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री का आपने सुना होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं यूपी या अन्य राज्यों से आया हुआ धान दाल गेहूँ नहीं खरीदूंगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का बयान आता है कि मैं बाहर से आया हुआ खरीदूंगा। तो मोदी जी आपस में अपने मुख्यमंत्री से बात कर ले कि वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार है क्या, अपने मुख्यमंत्री से बात कर ले। अगर हम वहाँ जा रहे हैं, हमारी शामली से करीब 25 ट्रैक्टर ट्रॉली वापिस आई है, तो पहले इन्हें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। कि आपका आगे? मैं सिसोली मुजफ्फरनगर से हूँ। नितिन बालियान मेरा नाम है। नितिन बालियान। नितिन बालियान जी, हाँ बताइए सर, आप कहाँ से हो, क्या नाम है? गाजियाबाद से एसपी सिंह। किसानों का जो ये मसला है फसलों के ऊपर, जो फसलों का इन्होंने ये मार्केट में ये बिल लाए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती जो लाए हैं, सबसे खतरनाक ये रहेगी। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है धारा 3 जो इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो चल भी रही है, पहले वो चल रही है, मर्जी से चल रही है, वो इन बिलों के हिसाब से नहीं चल रही है। ये धारा 3 जो उसका सेक्शन है, उसमें उनको शर्तें लिखी जाएंगी कि आपकी ज़मीन में हम जो फसल चाहेंगे वो किसान बोएगा, जो उसमें उत्पादक के लिए कीटनाशक जो खाद लगाएंगे वो उनको लगाना। फाइनली अंत है, आप क्या कहोगे? हैं फाइनली आप क्या कहना चाहोगे? फाइनल ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ किसानों के मन माफिक नहीं है, उनको दिख रहा है कि भविष्य उनका नहीं सुरक्षित है, ऐसे कानून भारत किसान को नहीं चाहिए। इसलिए किसान यूनियन भी और हम लोग भी और देश की जनता भी इन किसानों का पूरी तरह से इन बिलों का विरोध करते हैं। और जब तक किसान के MSP जो न्यूनतम रेट गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है, उसमें खरीदने के लिए केवल किसान कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि आप हमारी डबल कर दो। जल्दी से 2 मिनट बाद खत्म कीजिए, 2 मिनट, 1 मिनट में, बल्कि 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कलाग आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब आएगा, इस देश में इंकलाब आएगा, अब समाजवाद आएगा। 5 मिनट दे दो सर, ऐसे नहीं बात बने। चलो चलो बताओ बताओ, पहला कानून इंटरेस्टिंग रही तो अंदर इंटरेस्टिंग है ना, बताओ। पहला कानून बोलता है PMC से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है। कानून का नाम है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। 85% देश के किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीने हैं, 70% किसान ऐसे जिसके 2 एकड़ से कम जमीने हैं। इंटरेस्ट रेट बोला ना, प्राइस डिस्कवरी होगी। 2 एकड़ वाला अपने यहाँ रहना पंजाब यूपी से ट्रॉली भर के तमिलनाडु केरल बेचने जाएगा, कितना कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का, कौन सा लॉजिक है? फिर तो मार्स पे बोल देते ना, चांद पे बेचाते, यही बोल देते। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, उसके एक सेक्शन में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को, पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला, ऐसा कलर होगा, समझ रहे हो? अरे खुला आसमान, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ आंधी सूखा तूफान सब सब कुछ उसको असर करता है, नेचुरल चीज़ है ना, समझ रहे हो ना? ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोले सर पानी वाला जहाज तो तैरता है, बोले उड़ेगा, उड़ रहा है, नेचुरल चीज़ है ना वो। तीसरा कानून अधिनियम उसमें संशोधन किया, 1955 नेहरू जी से। तीसरा कानून बोलता है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, उसमें संशोधन किया है, बोला क्या कि किसान होल्ड कर सकता है, किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान के, लेकिन फिर भी बारिश की दुआ करता है, उसके सिर पे छत नहीं होल्ड करने के लिए कहाँ से लाएगा, समझ रहे हो? और इस कानून ने तो इतना खराब है, पूरा देश लपेटे में आएगा, कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा। 20 रुपये में खरीद के 200-300 अपनी मर्जी, मोनोपोली होगी ना, क्योंकि जब मार्केट डिफंक्ट हो जाएगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो कंपनियाँ हैं वो ये अपना मन मर्जी से खरीदेंगे। बोल कह रहे कि APMC में खामी है, आप मुझे बताइए किसी रिश्ते में अगर दरार है, आप रिश्ता खत्म करोगे या दरार को खत्म करोगे ना? तो आप APMC में खामी है तो खामियों को खत्म करो, नहीं APMC को खत्म करो। क्या नाम है आपका? खत्म कर दूंगा, भगत सिंह कौम है ये। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि काम बुलाएगा, काम हो जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इसके बुलाएगा, इसको जी मैं भगत सिंह याद ना हो, भगत सिंह याद ना हो तो हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कला आ जाएगा, मेरे खून का एक तरह इंकलाब लगा, इस देश में इंकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा। जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गुंगे भैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये जुबान ये आवाज हमारी दिमाग का है, पार्लियामेंट तक आवाज जो गुंगे भैरे हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के साथ अपनी सारी बात रखती है। और जो कानून की बात रखी थी कि क्या है कादा, वो भी सारा डिस्क्राइब किया और सबने अपने तरीके से उसको किया है।